रूमपुरा पुलिस चौकी में तैनात पुलिसकर्मी वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व तरीके से मारपीट करने वाले तीसरे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर अभय कुमार सिंह ने बताया कि बीते 19 मार्च को एक व्यक्ति ने पुलिस चौकी आकर सूचना दी कि चौकी की बगल में मंदिर के पास रूमपुरा रहने वाले कुछ युवक शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे। ये 19 मार्च 2022 की घटना है। रामपुरा चौकी में तैनात वीरेंद्र शर्मा हमारे कांस्टेबल को सूचना मिली थी कि पास में ही मंदिर वाले मैदान में कुछ लड़के शराब पीकर हुड़दंग कर रहे हैं। इस सूचना पर इनको जटिन के द्वारा जाकर के उन लोगों को वहाँ से हटाया गया था। बाद में पुनः सूचना आई कि लड़के पुनः वहाँ हंगामा कर रहे हैं। जो दूसरी बार ये गए तो ये लड़के पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे और इन लड़कों ने इनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें इनको गंभीर चोटें आई। छुटाने के बाद तत्काल हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 147, 48, 49, 332, 335, 336, 353 और 504, 506, 307 ITC में अपराध खंडित करने का गौरव और बंटी कुल 8 लोग इसमें नाम देते हैं, जिसमें गौरव और बंटी को उसी दिन निपटे में गिरफ्तार किया था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त था शिवम भोपाली, उसको आज गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही साथ इसका जो सह अभियुक्त है भूपेंद्र कोहली, उसकी गिरफ्तारी की गई। इस प्रकार से 8 मामले पर अभियुक्तों में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो नामजद अभियुक्त हैं या जो प्रकाश मैन, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है। इस घटना में जो लोग भी संलिप्त थे, जिन लोगों ने भी शांति व्यवस्था में लाने की कोशिश करी और कानून को हाथ देने का प्रयास किया, किसी को पसंद नहीं, निश्चित रूप से सबको गिरफ्तार करके उन्होंने न्यायालय के सामने पेश किया।